कांग्रेस के नेता अधीर रंजन के पीएम मोदी और अमित शाह को घुसपैठिया कहने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि गुजरात भारत का हिस्सा है, वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि वो इसी तरह के बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। रंजन चौधरी जी ने ये तो ठीक कहा कि देश सबका है, लेकिन उनको याद रहना चाहिए गुजरात इसी भारत का एक अटूट हिस्सा है, भारत का श्रृंगार है और यहाँ देश के हर प्रांत के हर व्यक्ति का भारत पे अधिकार है। लेकिन जो लोग इटली से आकर के यहाँ बसे हैं, जो लोग विदेशों से आकर के इस देश में, जिन लोगों ने इस देश को लूटा है, उनके बारे में अधीर रंजन चौधरी जी का क्या कहना है, ये हम जानना चाहते हैं। अधीर रंजन चौधरी ऐसे ही बयानों के कारण चर्चा में होते हैं। एक संवेदनशील मसले पर राजनीतिक दलों की अलग अलग राय और उनका पॉलिटिकल स्टैंड अलग अलग हो सकता है, लेकिन शब्दावली का सम्मान सबको करना चाहिए और सभ्य भाषा में आप अगर अपनी पार्टी का स्टैंड रखेंगे तब भी लोग समझ पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी एनआरसी के सवाल पर क्या कहना चाहती है। लेकिन जिस तरह के शब्दों और प्रतीकों का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। घुसपैठियों को बाहर निकालो, कौन मना कर रहा है, इस पर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन अपने ही लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो, अपने ही भारतवासियों को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या बांग्लादेश की सरकार से आपने बात की है क्या? आपके लोग हमारे यहाँ, इनको हम वापस भेज रहे हैं? आपने किसी सरकार से बात नहीं की। आप सिर्फ ये बयान माहौल खराब करने के लिए, अपने देश के लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करने के लिए आप दे रहे हैं, और इसका नतीजा आपने बंगाल के अंदर देख लिया है कि आपके साथ क्या हुआ है, और आप ही के नेता, बीजेपी के नेता आपके खिलाफ वहाँ पे भाषण दे रहे हैं।